हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रैंड आइटन। देख सकते हैं, आपने आइटन बहुत देखी होंगी, पर भाई ऐसी आइटन मैंने भी नहीं देखी और आज मैं इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। भाई भाई ने इसमें क्या करा रखा, क्या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई ने पूरी बॉडी किट बनवा रखी है, साइड मिरर, अलॉय व्हील, इंटीरियर वगैरह, भाई सब कुछ, एक एक चीज़ भाई ने इतनी मस्त तैयार करी है कि बस क्या ही बताएं। बने रहिए वीडियो में, उससे पहले आप सिनेमैटिक हमारे भाई जिनकी भाई कार है, इतनी मस्त कार बना रहे। भाई आपका नाम? भाई मेरा नाम उत्कर्ष है। उत्कर्ष नाम है भाई का। भाई गाड़ी कौन सी है, कौन सा मॉडल है, सब बताओ। भाई गाड़ी अपनी आई10 ग्रैंड मैग्ना है। अच्छा, 2017 मॉडल। 2017 मॉडल अपनी गाड़ी। भाई ये सारी मॉडिफिकेशन जो आपने कराई है, कब कराई थी? भाई इसको हो गए 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हुए अभी। भाई सही एक्सपीरियंस है? हाँ, गाड़ी का एक्सपीरियंस ठीक है। अच्छा भाई, तो भाई फ्रंट से ही पूछे थे, भाई फ्रंट में क्या क्या करा रखा, अपनी हेडलाइट्स की बात करें तो। भाई हेडलाइट देखो, कंपनी स्टॉक है। हाँ, इसके ऊपर हमने आईलाइट बना रखी है, फाइबर की है। फाइबर की है। बाकी अच्छा, इसके अंदर जो लाइट लग रही है वो एलईडी लग रही है। एलईडी लाइट लग रही है। भाई क्या प्राइसिंग पड़ी है एलईडी? भाई ये 5,000 की पड़ी थी पेयर। 5,000? भाई थ्रो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई। और भाई जो नीचे अपने आईपीएच लगे हुए हैं, एचआईडी प्रोजेक्टर है भाई, एचआईडी प्रोजेक्टर लगे हैं। और भाई अब बम्पर की बात कर लेते हैं, तो भाई इसके बारे में बताओ। बम्पर भाई अपना फाइबर का है, पूरा कस्टमाइज है, पूरा कस्टमाइज बम्पर है फाइबर का। बाकी दो तीन गाड़ियों से प्रेफरेंस लेके फिर अपने हिसाब से बनवाया, अपने हिसाब से तब बनवाया। इसको कितना टाइम हुआ? भाई इसको हुए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने, मतलब अभी हाल फिलहाल में भाई ने करा है। और भाई मैं इसमें देख सकता हूँ कि जो इसमें नीचे, भाई इसके बारे में बताओ। ये भाई नीचे जो स्प्लिटर होते हैं ना? हाँ भाई, बस वही है, हमने स्प्लिटर ना लगवा के इसको बम्पर में फिट करा। अच्छा, स्प्लिटर अपना बम्पर में ही फिट है, देखो जैसे इनबिल्ट स्प्लिटर कह सकते हैं हम इसे। और भाई ये चीज क्या है, मेरे को भाई इसके बारे में बताओ। ये भाई वैसे लोग शो ऑफ के लिए लगाते हैं कि शो पीस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर भाई मैंने इसे वर्किंग करा रखा है, वर्क करा सपोर्ट रखा दे रहा है, सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि फाइबर की वजह से बहुत भारी है। हाँ भाई, इसलिए सपोर्ट है बस। देख सकते हैं मतलब कितना ही भाई बिल्कुल भारी, एकदम बिल्कुल ठोस ऐसे करवा रखा है। और भाई ग्रिल बहुत अच्छी लग रही है, मतलब इसकी ग्रिल भाई हमें ABS लगवानी थी, वो मिली नहीं उस टाइम। अच्छा, उस टाइम वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी। अच्छा, तो फिर उन भाई ने फिर इसी हिसाब से लगाई ग्रिल। अच्छा, ये बात भी भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं। और भाई यहाँ पे भी आपने इसमें लाइट्स वगैरह लगा रखी है, भाई बटन लाइट है। अच्छा भाई, भाई सही, मतलब अच्छा लगता होगा रात में तो पूरी अपनी जब रात को ठीक थी, पर यार ये फ्यूज हो जाती है। अच्छा, फ्यूज हो जाती है भाई, क्यों? पानी की वजह से, किसी भी रीजन हो जाता है यार, मतलब जब लगवा के आया था 2-3 महीने बाद, अब शायद 3 ही जलती हैं। अच्छा, 8 थी, अब 3 ही जलती हैं। तो भाई स्टार्टिंग में अपने ना बम्पर किट की बात कर लेते हैं, क्या पड़ गई थी ओवरऑल प्राइसिंग? भाई ओवरऑल अगर मैं पूरी गाड़ी की बात करूँ तो 70-80 हज़ार रुपये के आसपास पड़ा था। 70-80 हज़ार में, जो कि अपने फ्रंट, रियर और रनिंग बोर्ड सब कुछ, स्पॉयलर और अपने ORVM सब। तो धीरे धीरे सब कवर करते हैं और आपको बताते हैं, उसके बाद आ जाते हैं भाई देखो अपने फेंडर पे। भाई ने फेंडर भी इसमें कस्टमाइज करा रखा है, भाई इसके बारे में बताओ। फेंडर का भाई डिजाइन मैंने देखा था। अच्छा भाई, ये मेरे को थोड़ा अच्छा से लगा, थोड़ा उठा उठा लग रहा था। हाँ भाई, 3D फील आ रही थी। तो और इसमें भाई क्या अपना पूरा फेंडर चेंज होता है? नहीं नहीं भाई, ये शायद उसने काट के तब बनाया इसे। अच्छा, बाकी ये चीज भाई बेहतरीन नहीं बता पाएंगे। अच्छा भाई, वो मतलब अपना ये ओरिजिनल फेंडर ही रहता है, ओरिजिनल फेंडर ही था, उसमें ये डिजाइन करा गया। हाँ, अच्छा भाई, भाई ये काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, देख सकते हैं आप कि भाई ने कितना इसका अच्छा लुक पीछे से आता है। हाँ भाई, पीछे से इसका ज्यादा अच्छा लुक आता है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो। तो भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम काम भी करा रखा भाई ने। उसके बाद आप ORVM देख सकते हैं, यहाँ पे भी भाई ने कस्टमाइज करा रखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। भाई ये कहाँ से आए दिमाग में? ये भाई BMW के M सीरीज में आते हैं। हाँ, BMW की M भाई सेम कॉपी है, जो भाई M स्पोर्ट चलती है BMW की। उसके बाद रनिंग बोर्ड पर बात कर लेते हैं, देख सकते हैं भाई ने रनिंग बोर्ड पर भी ये सारे अपने भाई कस्टमाइज करा रखे हैं। आपको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा होगा कि भाई इसमें कुछ लगा भी हुआ है कि नहीं, भाई मतलब फिटिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे ऐसा लग रहा है कंपनी से लग के आया हो।
भाई काम उनका इतना अच्छा है क्या कह सकते हैं। अच्छा जब भी भाई पैसे भी सही लग गए तो और बैक साइड में बात करते हैं अपने अलॉय व्हील्स पे बाद में आएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भाई ने ये सेम लॉक लगा रखे जो कि अपने बम्पर को सपोर्ट मिलती रहेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त चीज़ है। पीछे आप देख सकते हैं कि भाई आपने ये सारी चीज़ ब्लैक करा रखी है, ब्लैक करा रखी है है ना भाई। हाँ। काफ़ी ज़्यादा मस्त गाड़ी का पूरा कॉम्बिनेशन मैंने व्हाइट और ब्लैक करा रखा है, व्हाइट और ब्लैक में भाई ने गाड़ी को पूरा कॉम्बिनेशन दिया, इस वजह से भाई ने ये सब क्रोम जितना भी भाई ने वो ब्लैक करा रखा है। और यहाँ पे स्पॉइलर, भाई स्पॉइलर के बारे में बताओ, ये स्पॉइलर भाई मैंने स्विफ्ट में भी देखा है भाई, ये स्पॉइलर मैंने बनवाया है फाइबर का, ये भी अच्छा। हाँ वैसे लोगों से मॉन्स्टर स्पॉइलर वगैरह कहते हैं, मॉन्स्टर स्पॉइलर कहते हैं भाई, पर ये बनाया हुआ है, ये भी शौकीन भाई ने बनाया था जहाँ से हमने पूरी गाड़ी काम करवाया, भाई ये भी सारा काम कराया भाई ने। तो मतलब भाई वैसे ये किसी भी गाड़ी में लग जाता है क्या, ये अलग से आपने बनवाया इसके लिए से? भाई किसी भी गाड़ी में लग जाएगा। अच्छा डिजाइन आप दे दो बना वो देंगे गाड़ी के। हाँ मतलब भाई बस छोटे बड़े का डिफरेंस होगा थोड़ा ना, बाकी तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ने रूफ भी ब्लैक करा रखी, ये भी भाई बाहर से कराई थी। हाँ ये भाई बाहर से कराई थी। तो मतलब कंपनी से तो भाई आपने स्टॉक लिया, मतलब गाड़ी कंपनी से कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, मैंने भाई वैसे गाड़ी मैंने सेकंड हैंड ली थी। अच्छा गाड़ी सेकंड हैंड ली है, एक साल हो गया। एक साल हो गया भाई, गाड़ी का कैसा एक्सपीरियंस है फिर? भाई गाड़ी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बस एवरेज के अलावा सब कुछ बढ़िया। एवरेज तो भाई कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है थोड़ी स्टॉक वगैरह। तो भाई बैक बम्पर के बारे में बताओ भाई। अब भाई ये भी फाइबर का है, बाकी इसमें टिप लगा रखी है हमने। हाँ भाई ने देखो इसमें दो टिप लगा रखी है भाई, इनमें से वर्क कौन सी करती है भाई? नॉर्मल मतलब वर्क तो खैर ऐसा कुछ नहीं करती। अच्छा जो नॉर्मल साइलेंसर था ना उसी में वेल्ड होके दोनों लगी हुई। अच्छा उसी में दोनों ये वेल्ड होके लगी हुई है, तो ये चीज सही है, मतलब कोई एग्जॉस्ट वाला उसी नहीं है फिर तो भाई एवरेज और ज्यादा डाउन हो जाएगी। 10 का ही सीन है इसका, जब से लिए तभी 10 का एवरेज देती है। देखो मैं एक बार आपको सही से दिखा भी देता हूँ कि भाई ने कितने मस्त तरीके से भाई ये बनवा रखे हैं। भाई जब रोड पे चलती है ना ये काफी ज्यादा मस्त लगती है रोड पे चलती हुई। तो भाई आपको किसी ने कभी बोला है जैसे कि आपकी गाड़ी का? भाई मेरे को एक मर्सिडीज वाले ने बोला। अच्छा मर्सिडीज वाले क्या बोला था? बाकायदा गाड़ी शोरूम के बाहर खड़ी थी उसके। अच्छा भाई हाँ, उसका यहाँ पे सरिता विहार में प्यूमा का शोरूम है। हाँ भाई वहाँ से वो बाहर आया अपनी गाड़ी में बैठा, मेरी गाड़ी देखी, वो उतरा मेरे से बात करी कि भाई आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है ये करी। भाई मेरा सारा पैसा उसी दिन वसूल हो गया। हाँ भाई सारे पैसे उसी दिन वसूल हो जाते हैं भाई जब ऐसे सुनने को मिल जाता है अपनी गाड़ी के बारे में, क्योंकि इतनी मेहनत लगी है इतना पैसा लगा है तो वो वहीं पे वसूल हो जाता है। उसके बाद भाई अपने अलॉय व्हील पे आते हैं, तो भाई कितने इंच के अलॉय व्हील? भाई 15 इंच के अलॉय व्हील है, 15 इंच के अपने 14 इंच के आते हैं। अच्छा कंपनी से 1 इंच बढ़वाया मतलब आपने? अच्छा भाई मैंने इससे 1 इंच ऊपर बढ़ेगा भी नहीं यार इसमें। अच्छा लोग लगवा तो लेते हैं पर गाड़ी का कंफर्ट खत्म हो जाता है हर चीज। तो भाई फिर वो है ना कि अगर आप 1 इंच और बढ़वाते तो फिर उसी हिसाब से आपको टायर भी प्रोफाइल कम करनी पड़ेगी टायर की, है ना भाई? ये इसमें तीसरे पेरे टायर है। अच्छा तीसरे टायर है। सबसे पहले मैंने इसमें 45 की प्रोफाइल लगाई थी। अच्छा भाई वो फट गई, वो फट गई। उसके बाद मैंने इसमें 55 की प्रोफाइल लगाई, वो इतनी बड़ी थी कि वो यहाँ पे अड़ती थी। अच्छा भाई हाँ फिर आप 50 की लगाइए, ये ठीक है। हाँ भाई मैं आपको एक बार टायर प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रही अपनी टायर प्रोफाइल। तो भाई इनकी क्या प्राइसिंग पड़ी? भाई जब मैंने स्टार्टिंग में एलॉय के 7 टायर लगवाए थे उस टाइम पे मेरे को 37,000 के आसपास का पड़ा था ये सब कुछ। 37,000 के आसपास। हाँ अब तो मैंने मतलब 2-3 बार टायर वगैरह सब बदल दिए तो अब मेरे को 50,000 के आसपास के पड़े। तो भाई अगर जैसे इसको हाई स्पीड पे भगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी? भाई कोई दिक्कत नहीं, मैंने 140-150 चलाया। 140-150 क्योंकि 1 इंच बढ़ा उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना स्पॉइलर भी लगा होता है वही सब कुछ झेल जाता होगा भाई। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 150 तो आराम से ले आती है। 150 हमारी गाड़ी बिल्कुल हल्की सी भी नहीं हिलती? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोड से चिपक के चलती है, चिपक के चलती है। ब्रेकिंग की बात करें कैसी है? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है भाई इसकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अगर कंफर्ट की बात करूं? भाई कंफर्ट देखो मेरे को तो पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक इंच से मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा भाई मेरे को, एक इंच से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, कंफर्ट एकदम पूरा आ रहा है। और भाई यहाँ पे आपने भाई कुछ लिखा रखा है इसके बारे में बताओ। भाई नो चिक्स अलाउड, भाइयों की गाड़ी है। अच्छा लड़कियां क्या करेंगी? सही बात है भाई, ये बात तो बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। मतलब बाहर से भाई की गाड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल आई कैची लुक भाई ने गाड़ी की बाहर से भाई लुक बना दी है, बहुत ही मस्त मॉडिफिकेशन करा रखी है भाई ने। और भी चीज़ें पूछेंगे भाई ने इंटीरियर में क्या करा रखी है और क्या नहीं, तो इंटीरियर में ही चलते हैं। तो इंटीरियर में आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ने इंटीरियर मतलब कितने मस्त कलर का करा रखा है। यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं ब्लैक का और ब्राउनिश का। तो भाई ये कब कराया? भाई ये तो जब मैंने गाड़ी ली थी। अच्छा मैंने तभी करा लिया था। ये तभी करा लिया था आपने? हाँ। सब कुछ मतलब भाई सब कुछ में अगर आप मानो तो मैंने इसके मैट वगैरह डलवाए थे 70 मैट वगैरह भाई ने 70। भाई मैट्स की क्या प्राइसिंग पड़ेगी? भाई ये पड़े थे मेरे को 26-27 के आसपास। 26-27 मतलब अलग अलग प्राइस है भाई, कोई महंगे बताता है कोई सस्ते है ना। 26-27 के आसपास ही पड़े। तो भाई ने देखो पूरा इंटीरियर ऐसा, भाई सीट कवर भी आपने लगवाए? सीट कवर भाई मैंने लगवाए थे, मेरे को गाड़ी का जो कॉम्बिनेशन अंदर से था ना हाँ वो आपको ब्राउन और ब्लैक में रखना था, ब्लैक में। और भाई की रूफ देख सकते हैं मतलब कितनी मस्त भाई ने इसकी रूफ बना रखी है, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। तो अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा भाई ने इसको। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि एम्बिएंट लाइट भी लगी हुई है, यहाँ पे भाई ने स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल भी लगा रखे हैं। उसके बाद हम अंदर चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ने इसमें टच स्क्रीन भी लगा रखी है।
पंक ऑडियो की भाई की टच स्क्रीन है ना भाई? हाँ भाई। और भाई अपना जो ऑडियो सेटअप है वो कौन सी कंपनी का है? भाई इन्फिनिटी का लगा है सब कुछ, कंपोनेंट स्पीकर सब कुछ इन्फिनिटी अच्छा, के है। बेस ट्यूब भी मेरे पास इन्फिनिटी की है। मेरे पास जो एम्प है चार चैनल का है वो पंक ऑडियो का है। वो पंक ऑडियो का। अच्छा भाई, तो भाई अब मैं पहले प्राइसिंग पूछा था, अपने इंटीरियर में जो काम हो रखा है जैसे कि भाई अपने सीट कवर के और इनके कॉम्बिनेशन ये जो भी ब्राउन और ब्लैक में, इनके क्या प्राइसिंग पड़ गई? भाई मेरे को 8,000 रुपये के सीट कवर पड़े थे। 8,000 रुपये के? हाँ। सीट कवर। रूफ मेरे को 7,000 रुपये की पड़ी थी। 7,000 रुपये की भाई की रूफ हुई है जो कि काफी ज्यादा मस्त लग रही है भाई। हाँ। ये वेलवेट में है ना? ये वेलवेट में। हाँ बिल्कुल मस्त लग रही है। इसके अलावा तुम्हारी 10,000 रुपये की डिस्प्ले थी, डिस्प्ले के साथ कैमरा था। अच्छा कैमरा भाई। हाँ, वो सही वो से कैमरा वो हमने हटा दिया। अच्छा। क्योंकि जब हमने बम्पर चेंज कराए थे ना। हाँ, वो तो फिर तो बनता ही है। उसके साथ वो हट गया था। अच्छा भाई, इसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल थे 4,000 रुपये के लगे। 4,000 रुपये के अपने स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल। और भाई एम्बिएंट लाइट? भाई एम्बिएंट लाइट का खर्चा ज्यादा नहीं था यार, ये 2,500 रुपये समथिंग के 2,500 रुपये में लग गया। भाई ऑडियो सेटअप की अगर मैं खाली बात करूँ ना कि जैसे स्क्रीन होगी अपने कंपोनेंट जो भी है। हाँ। तो उनकी क्या प्राइसिंग पड़ेगी सिर्फ ऑडियो सेटअप की? मेरे को अगर मैं पूरा ऑडियो सेटअप माना हूँ तो ये आपका पड़ा है 30 के आसपास का। 30 के आसपास का भाई का पूरा ऑडियो सेटअप पड़ा। हाँ। अच्छा भाई, बाकी ओवरऑल कितने लाख के मॉडिफिकेशन भाई ने करा रखे, कितने लाख लगा रखे गाड़ी में, वो तो हम एंड में बताएंगे वीडियो की। उससे पहले आपको आउटपुट सुना देते हैं हम। तो भाई आउटपुट तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है भाई, इसको कभी अपग्रेड कराना चाहोगे? भाई नहीं, मेरे को मतलब ठीक ठाक ऑडियो चाहिए, मतलब उतना नहीं चाहिए कि धूम धूम होती रहे। बिल्कुल मतलब हाई एंड नहीं चाहिए। हाँ। भाई को बिल्कुल मतलब इसमें भाई आप सेटिस्फाइड हो ना? क्योंकि भाई बेस वोकल सब कुछ मतलब एकदम मस्त आ रही है, जैसे कहते हैं ना कि डिसेंट भी हो गया उससे ज़्यादा भी हो गया थोड़ा, और अपना सही है, जो अंदर बैठे को सब मज़ा तो आ ही जाएगा, वो वाली बात हो गई, तो सही है भाई। और भाई अब मैं पूछता हूँ अपनी वीडियो को एंड करने से पहले, भाई टोटल अपनी कार में कितने लाख की मॉडिफिकेशन हो रखी है? भाई इसमें देखो ऐसे गिना तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से जहाँ तक 280-290 के आसपास। 280-290 के आसपास हो रखे हैं। अगर भाई उसमें हम गिने अपने जो जितने बार टायर चेंज हुए वो इंक्लूड है? सब कुछ इंक्लूड है। सब कुछ इंक्लूड करके आप बता रहे हो कि मतलब 3 लाख तक की भाई ने इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है। वो भाई की इंस्टाग्राम आईडी आपको शो रही होगी, भाई बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालते हैं, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, अच्छी अच्छी रील्स देखें, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बहुत अच्छा।